ये बात करीब तब की है जब मैं 6th क्लास में था। उस समय मेरे मॉम डैड को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा था, बट उन्हें काफ़ी दूर जाना था और वो मुझे वहाँ पे लेके जा नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे घर पे अकेला छोड़ेंगे। सिर्फ 2 दिन की बात थी तो मैंने भी मना नहीं किया, एंड वैसे भी मैं इससे और भी ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो मुझे किसी बड़े बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। मुझे उन्होंने कागज़ पर इंस्ट्रक्शंस लिख के दे दिए, जैसे कि किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा मत खोलना। हाँ, मुझे ये सब पहले से पता था क्योंकि मैं कोई पजामा नहीं हूँ। मैं अपने घर के अंदर आ गया एंड देन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुशी के मारे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी हवा में उड़ने लगूंगा। पूरे घर में मैं अकेला था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम महसूस हो रही थी। मैं सोफे पर बैठ गया एंड मैंने एक मूवी ऑन कर दी। उस समय काफ़ी गर्मी थी तो मैंने एसी ऑन किया, अपने फ्रिज में से एक आइसक्रीम का डिब्बा निकाल लिया और फिर आइसक्रीम को खाने लगा। साथ में मैं उस मूवी को भी देख रहा था। वो मूवी एक्चुअली में टर्मिनेटर 1 थी। तभी मुझे मेरे डोर पे किसी का नॉक सुनाई दिया। शायद मेरे घर के बाहर कोई तो आया था। मैं चल के वहाँ पर जाने लगा ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कौन है। मैंने विंडो से बाहर झांक के देखा, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। बट देन अचानक से साइड से वहाँ पे एक आदमी आ गया। उस आदमी की शक्ल थोड़ी सी अजीब थी एंड ड्रेस से वो शायद कोई कूरियर मैन लग रहा था। बट मैं उसके लिए गेट तो खोलने नहीं वाला था क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मना किया हुआ था। अगर मैं उस आदमी की एज गेस करूँ तो शायद से वो अपने mid-30s में होगा। खैर, मैंने दरवाज़ा तो खोला नहीं तो इसलिए वो वहाँ से चला गया। मैं फिर से टर्मिनेटर 1 देखने लगा एंड आइसक्रीम खाने लगा। तभी मुझे मेरे बैकयार्ड से कुछ तो आवाज़ आने लगी। मैंने अपने किचन विंडो से बाहर झांक के देखा, मैंने देखा कि उधर कोई आदमी खड़ा था एंड शायद ये वही आदमी था। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो गया। मैं टेबल के नीचे जाके छुप गया एंड मैंने अपना फ़ोन उठाया। बट मैं ये सोचने लगा कि क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए या फिर अपने मॉम डैड को, और मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया। मैंने उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तभी मेरे डैड ने फ़ोन लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी सेफ जगह पर जाके छुप जाऊँ और मैं अपने नेबर्स को कॉल करूँ। वो लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं एंड पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो मुझे फिर से फ़ोन करेंगे। तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी। वो आदमी जो भी था उसने लिविंग रूम की विंडो को खोल दिया था। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, इसलिए उस समय मैं जल्दी से टेबल से बाहर निकला और भागते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया और मैं वॉशरूम में जाके छुप गया। मैंने तभी अपनी एक नेबर को कॉल किया एंड वो वहाँ पे आ गई। उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, मैं बाहर निकला और मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे किसी तरह संभाला क्योंकि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो आदमी जो भी था उसने जैसे ही मेरी नेबर को देखा वो वहाँ से भाग गया। पुलिस को मेरे घर के गेट से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले जो कि अभी रिसेंटली एक क्रिमिनल के भागे हुए फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि वो उसे जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि ये पजामे पुलिस वाले कभी भी किसी को पकड़ते हैं नहीं। खैर, इसके बाद से ही मेरे मॉम डैड ने मुझे घर पे अकेला नहीं छोड़ा जब तक कि मैं हाई स्कूल में नहीं पहुंच गया। ये कहानी मैं विनीता नाम की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उस समय मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी। मैं अभी एक रूममेट ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा पिछला वाला रूममेट दूसरे शहर में चला गया था। मैं ऑनलाइन एक न्यू रूममेट को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई ढंग का मैच नहीं मिल रहा था। तभी मैंने एक जॉन नाम के लड़के की प्रोफाइल देखी। वो काफ़ी डिसेंट बंदा लग रहा था तो मैंने उसे कॉन्टैक्ट करने का सोचा। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले, हमने एक कॉफ़ी ली और उसके बाद हम दोनों बात करने लगे। हमारी हॉबीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी एंड वो मुझसे काफ़ी फनी बातें कर रहा था। तभी उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें क्लाउंस से डर लगता है। पहले मुझे क्लाउंस से डर नहीं लगता था लेकिन जब से मैंने इट मूवी देखी उसके बाद से मुझे क्लाउन से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने उससे कहा कि सभी क्लाउन से नहीं लेकिन कुछ क्लाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको अपने आप ही डर लगने लगता है। उसने मुझसे कहा कि वो वीकेंड्स पे बच्चों के लिए क्लाउन बनता है और वो फिर बच्चों के साथ खेलता है और उन्हें इंजॉय करवाता है। फिर उसने मुझसे कहा कि वेल, चिंता मत करो, मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि हाँ, वैसे भी सारे क्लाउन्स थोड़ी बुरे होते हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई और तब उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने मुझसे कहा कि हाँ, वेल, मैं बड़े लोगों को मारता हूँ। वो जस्ट मजाक कर रहा था और मैं उसके जोक पे हंसने लगी। वेल, उसके बाद वो उसी घर में शिफ्ट हो गया जिसमें मैं रहती थी। जॉन काफ़ी सही था एंड उसके साथ मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो अपने कॉलेज से आता था एंड देन हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते थे, उसके बाद वो अपने काम करने के लिए अपने रूम में चला जाता था। एंड जैसा कि उसने बताया था, वो वीकेंड्स पे क्लाउन बनता था और ऑर्फनेज के बच्चों के पास जाता था। एंड मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो काफ़ी ज़्यादा फनी क्लाउन था। वो क्लाउन बनने के बाद काफ़ी फनी हरकतें करता था और काफ़ी सही सही जोक भी मारता था। एंड इन शॉर्ट, वो कोई ऐसा क्रीपी क्लाउन नहीं था। वेल, हमारे किचन में एक फ्रीज़र रखा हुआ था।
वो फ्रीजर मेरे रूममेट का नहीं था और ना ही वो मेरा था। वो फ्रीजर मेरे पिछले रूममेट का था एंड वो उसे कभी भी लेने आ सकता था एंड उसने हमें उस फ्रीजर को यूज करने से मना किया हुआ था। तो इसलिए मैंने जॉन को भी कह दिया कि वो उस फ्रीजर को यूज ना करें। खैर एक दिन मैं अपने कॉलेज से अपने घर पे आई। मैं किचन में गई थोड़े से स्नैक्स खाने के लिए। तभी मैंने कुछ अजीब नोटिस किया, वहाँ पे थोड़ी सी बदबू आ रही थी। मैंने आसपास चेक किया कि आखिर वो बदबू कहाँ से आ रही है। तभी मेरी नज़र उस फ्रीजर पे गई। उस फ्रीजर को किसी ने खोल दिया था और उसमें से कुछ तो बाहर आ रहा था। मैं उस फ्रीजर के पास गई एंड टू माई सरप्राइज मैंने देखा कि उस फ्रीजर में इंसानी ऑर्गन्स रखे हुए थे। ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये सब जॉन ने किया है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे जॉन के रूम से कुछ तो आवाज आई। मुझे उस समय जॉन के रूम में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उस समय काफी डरी हुई थी एंड मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और मैं जल्दी से भागते हुए जॉन के रूम में जाने लगी। मैंने देखा कि जॉन अपने रूम के फ्लोर पे गिरा हुआ था एंड वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। शायद उसे पैनिक अटैक आया था और इसलिए वो जमीन पे गिर गया था। उसके क्लाउन के मेकअप की वजह से वो और भी ज्यादा स्केरी लग रहा था। मैंने जॉन को आवाज लगाई और उससे कहा कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने भी उन इंसानी ऑर्गन्स को देख लिया था जो कि मेरे पिछले रूममेट के थे, क्योंकि उसने भी उस फ्रीजर को खोल के देखा था और उसने भी वहां पे इंसानी ऑर्गन्स को देखा था जो कि मैं वहां पे छुपा के रखा करती थी। मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी उसने उस फ्रीजर को खोल के देखा। इसलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती और शायद अब मुझे जॉन को भी अपने पिछले रूममेट की तरह मारना पड़ेगा।